देश में कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंटलाइन में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एकेडमिक ईयर 2020-2021 में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों के लिए MBBS और BDS की सीटें आरक्षित होंगी। उन्होंने बताया कि इन कोरोना वॉरियर्स में जमीन पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर या नर्स शामिल हैं। इनके बच्चों के लिए नेशनल कोटा में 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस पहल के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेशन 2020-2021 के लिए MBBS तथा BDS सीटों के तहत वार्ड ऑफ कोविड वॉरियर्स के कैंडिडेट्स के सिलेक्शन और एडमिशन के लिए नई कैटेगरी को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये उन सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जिन्होंने बिना स्वार्थ के डटकर इस मुश्किल समय में देश की सेवा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस कदम का मकसद कोरोना पॉजिटिव रोगियों के इलाज और प्रबंधन में कोरोना वॉरियर्स के योगदान को सम्मानित करना है। इसके लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार इस श्रेणी के लिए पात्रता को प्रमाणित करेंगे। स्टूडेंट का सिलेक्शन MCC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा आयोजित नीट 2020 में मिले रैंक के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई का ध्यान रखकर अपनी रक्षा करने के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रूस एजुकेशन ने भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। रशिया से MBBS करने पर कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को रूस एजुकेशन दे रहा है 50% की स्पेशल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट पे www.ruseducation.in।